हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीका से आप अपना चैनल पर कोई कॉपीराइट क्लेम हटा सकते हो। मतलब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, यहाँ पर 14K व्यूज़ आया, लेकिन यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम आ गया। तो मैंने क्या किया, फिर से वही वीडियो फिर से मैंने अपलोड किया और अब भी यहाँ पर देख सकते हो 1 मिनट हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम आ गया। तो फ्रेंड, इस कॉपीराइट क्लेम को कैसे हटा सकते हो वो भी आप लोगों को आज मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, किस तरीका से कॉपीराइट क्लेम हटा सकते हो, और मैं हटा के भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग टाइम देख सकते हो, यहाँ पर टुडे टाइम, यहाँ पर देख सकते हो टुडे टाइम कितना, अभी टाइम कितना हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो 7:42 PM और यहाँ पर 15 अक्टूबर 2022, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब भी क्या करना है, आप इस कॉपीराइट क्लेम को हटाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस वीडियो पर 3 मिनट हो चुका है, और अभी इसको मैं कॉपीराइट क्लेम हटा के दिखाऊंगा। तो फ्रेंड, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि इस तरीका से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपका पास कोई डेस्कटॉप है या कंप्यूटर है तो आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, अगर आपका पास मोबाइल है तो मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। और जैसे ही क्रोम ब्राउज़र ओपन करोगे, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक न्यू टैब खोल लेना है। आप यहाँ पर क्लिक करके एक न्यू टैब खोल लेना है। जैसे कि न्यू टैब खोलोगे, आपको यहाँ पर यूट्यूब दिखाई देगा। अगर यहाँ पर यूट्यूब नहीं दिखाई दिया तो आपको क्या करना है, m.youtube.com यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे कि आप सर्च करोगे, आपको इस तरीका से आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि 3 डॉट के ऊपर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर डेस्कटॉप साइट ओपन करोगे, फिर से आप अपना प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर योर चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप चैनल के ऊपर क्लिक करोगे, आपको फिर आपको कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा और ऑटोमेटिकली फिर से आपको ब्राउज़र पर पहुंचा देगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आपको यहाँ पर कंटेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप कंटेंट के ऊपर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर आ जाएगा अपना जो वीडियो है, वो वीडियो सारे के सारे वीडियो आ जाएगा। और यहाँ पर आप टाइम भी देख सकते हो, मैंने अपलोड किया था और इस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया, यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी क्या करना है, कॉपीराइट क्लेम के ऊपर क्लिक कर देना है, और जैसे ही कॉपीराइट क्लेम के ऊपर क्लिक करोगे, आपको सी डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे कि सी डिटेल्स के ऊपर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर देख सकते हो आपका इस कॉपीराइट क्लेम से आपका चैनल पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर नॉट अफेक्टेड। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे आपको शो होगा आप कितना सेकेंड जो कॉपीराइट ऑडियो, जो कॉपीराइट ऑडियो आपने यूज़ किया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट साइड पर आपको 3 डॉट आ जाएगा, 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप 3 डॉट के ऊपर क्लिक करोगे, अगर आपने मतलब 1 मिनट का ऑडियो आपने ओनली 20 सेकेंड आपने कॉपीराइट ऑडियो ऐड किया, तो आप इससे सिर्फ वही मतलब जो साउंड है इसको रिमूव कर सकते हो। अगर आप पूरे साउंड को आप रिमूव करना चाहते हो, दूसरे मतलब ऑडियो आप ऐड करना चाहते हो, तो आपको रिप्लेस सॉन्ग के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हो आपको इस वीडियो में जितना भी साउंड है सब बंद करना है, तो आपको क्या करना है, म्यूट सॉन्ग के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं अभी पूरा सॉन्ग को मैं चेंज करूँगा, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और रिप्लेस सॉन्ग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे कि आप रिप्लेस पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर शो हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पर कितना सेकंड मैंने उस ऑडियो मैंने यूज़ किया था। यहाँ पर देखो, टू सेकंड से मैंने 25 सेकंड तक मैंने इस ऑडियो को मैंने यूज़ किया। तो अभी क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और करके यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर टाइम शो हो रहा है 2 सेकंड से 25 सेकंड तक। तो मैं अभी इस ऑडियो को चेंज करके दूसरा ऑडियो लगाऊंगा। तो दूसरा ऑडियो लगाने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर आ जाएगा आप कौन सा सॉन्ग ऐड करना चाहते हो, आप यहाँ पर प्ले करके भी देख सकते हो। yeah.
करना है, यहाँ से आपको जो मतलब पसंद आए वही सॉन्ग आप यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे कि तो मैंने ये वाला सॉन्ग मैंने ऐड कर दिया और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये वाला सॉन्ग ऐड कर लिया। और ये जो है इसको अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, इस ऑडियो मैंने यूज़ तो कर लिया, अभी क्या करना है यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर पूरा टाइम चले सेम टाइम से आप यहाँ पर ऐड कर देना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप सेव करोगे फिर से आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको थोड़ा सा मतलब आप वेट करना, 10-15 मिनट आप वेट करना। और जैसे कि आप वेट करोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अभी मेरा यहाँ पर चेकिंग हो रहा है, पहले यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम आ रहा था और अभी क्या हो रहा है, चेकिंग वन फाउंड। तो यहाँ पर टाइमिंग भी देख सकते हो, मैं अभी वाइट स्टूडियो यहाँ पर देख सकते हो, प्रोसेसिंग भी चल रहा है वही वीडियो। तो अभी मैं टाइम भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। टुडे टाइम तो अभी यहाँ पर देख सकते हो 7:50 PM हो रहा है। तो आपको क्या करना है, फिर से आप अपना यहाँ पर वाइट स्टूडियो ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पर आप अपना अगर शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो कोई भी वीडियो का आप कॉपीराइट क्लेम हटा सकते हो। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर वेट करना, ठीक है। अभी इस जो है अभी यहाँ पर देखो रिस्ट्रिक्शन चेकिंग चल रहा है, आपका जो वीडियो है वो पब्लिक नहीं करना है। जब तक ये चेकिंग नहीं हुआ और आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं हटाया तब तक आप अपना इस वीडियो को पब्लिश मत करना। और आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा इस वीडियो को 10 मिनट हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हो मैं थोड़ा मतलब इसको पॉज कर लेता हूँ क्योंकि इस कॉपीराइट क्लेम को हटा के आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए अभी प्रोसेसिंग हो रहा है इसीलिए मैं थोड़ा पॉज कर रहा हूँ और पॉज करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप टाइम वगैरह सब कुछ देख सकते हो, मैंने कब मैंने इस वीडियो अपलोड किया, 10 मिनट पहले आप लोगों को दिखाया और फिर यह कॉपीराइट क्लेम हटाने के बाद आप लोगों को फिर से मैं दिखा रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पर पॉज किया तो तुरंत मेरा ये वीडियो ऑटोमेटिकली कॉपीराइट क्लेम से हट गया। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी चेकिंग, यहाँ पर चेकिंग भी है लेकिन यहाँ से कॉपीराइट क्लेम हट गया। तो अभी इसको क्या करना है, आप इसको पब्लिश कर देना है। यहाँ पर मैंने पब्लिश कर रहा हूँ, पब्लिश करके आप इसको सेव कर देना है। जैसे कि आप सेव करोगे आप यहाँ पर देख सकते हो आपका इस वीडियो की जो कॉपीराइट क्लेम था वो ऑटोमेटिकली हट गया। मैं फिर से आप लोगों को टुडे डेट एंड टाइम दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मैंने रिफ्रेश किया, कितना टाइम लगा, सिर्फ 2 मिनट लगा, 2 मिनट के अंदर ही जो मतलब कॉपीराइट क्लेम हट गया। यहाँ पर देख सकते हो 7:52 PM और यहाँ पर 15 अक्टूबर 2022। तो फ्रेंड इस वीडियो देखने के बाद अगर आपका कॉपीराइट क्लेम हट गया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर चैनल के बारे में आपको कुछ जानना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड आप लोगों को मैंने लाइव प्रूफ दिखा दिया क्योंकि कॉपीराइट क्लेम हटा के मैं आप लोगों को पूरा लाइव प्रूफ दिखा दिया। आप लोग भी इस तरीके से कॉपीराइट क्लेम हटा सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो रिस्ट्रिक्शन नॉन आ रहा है अभी। तो फ्रेंड इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना और इस वीडियो शेयर भी कर देना। तो फ्रेंड वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।